निकाय चुनाव का आरक्षण आते ही शहर के नामी चुनाव लड़ने वाले, जो चुनाव कोई सा भी हो, हर चुनाव को मैदान में नजर आते हैं। परंतु फर्रुखाबाद अध्यक्ष पद की सीट पिछड़ा वर्ग में आते ही शांत बैठकर किसी गहरी तोड़ जोड़ में लगे हैं। परंतु पिछड़ी जाति के नेता सक्रिय हो गए हैं। इतना ही नहीं, छुटपियों नेताओं के साथ साथ दिग्गजों की नजर भी इस चेयरमैन की कमाऊ कुर्सी पर है। जनपद में कांग्रेस बसपा का कोई रुझान नहीं मिल रहा। मामला हल्का फुल्का सा है, परंतु भाजपा व सपा में काफी उथल पुथल है। फर्रुखाबाद में नगर पालिका अध्यक्ष पद की इस कमाऊ कुर्सी पर हासिल करने के लिए दिग्गज नजर गड़ाए, परंतु सपा के मुकाबले भाजपा की टिकट पर लड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में लंबी कतार है और भाजपा के टिकट पाने की कतार में अनेकों लोग लगे हैं, जिसमें पूर्व विधायक एवं जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष कुलदीप गंगवार, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर भूदेव सिंह राजपूत, भाजपा कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता की पत्नी श्रीमती आरती चौरसिया, भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी, सराफा व्यापारी व पूर्व सभासद अनुपम रस्तोगी और दिलीप भारद्वाज के नाम शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सांसद के परिजन भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और उधेड़बुन में लगे हैं। चर्चाओं में है कि डॉक्टर अजीत गंगवार का नाम भी लिया जा रहा है। सूत्रों ने यहां तक बताया कि मुख्यमंत्री जी से भी भेंट की जा चुकी है। अब देखना यह है कि भाजपा से कौन प्रत्याशी मैदान में आता है। चर्चाएं तो और भी हैं, चर्चाओं का क्या, जल्द ही सामने आने वाला है कि भाजपा से कौन होगा दावेदार, तभी तो होगा नगरपालिका का रण तैयार। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।